15-20 साल से एप्पल यूजर रही हूँ, कभी इस तरीके की वार्निंग नहीं आई है, तो एक सीरियस वार्निंग थी। सरकार द्वारा प्रायोजित आपके फोन की जासूसी की जा रही है, इससे बड़ी शर्म की बात किसी सरकार के लिए क्या हो सकती है। इन्वेसिव पॉलिटिक्स के तहत क्या देखना चाहते हैं, कौन किससे बात कर रहा, क्या बात कर रहा, पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है क्या? तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं। एक एक कर ये मैसेज कई नेताओं के पास गए हैं, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया है। इसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स के द्वारा फोन पर हमला होने की संभावना जताई गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने पोस्ट में दावा किया है कि उनके अलावा उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, आप के राघव चड्ढा, सीपीआई के महासचिव और पूर्व सांसद सीताराम येचुरी, कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा और द वायर न्यूज वेबसाइट संस्थापक को भी एप्पल से ये मैसेज मिले हैं। इसको लेकर अब राजनीतिक बवंडर खड़ा हो गया है और आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। जिस तरीके से रात को मुझे ये वार्निंग आई है, मैं 15-20 साल से एप्पल यूजर रही हूँ, कभी इस तरीके की वार्निंग नहीं आई है, तो एक सीरियस वार्निंग थी, जहाँ पे वो डूज एंड डोंट्स भी बता रहे थे हमें कि क्या हमें करना चाहिए टू सेफ गार्ड हमारे जो भी डेटा है। तो दिखाता है किस तरह, और बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड है ये जो अटैक हो रहे हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, हमारा स्टेट कौन, सरकार कौन, तो वो क्लियरली ये बता रहा है ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम है और इस पे आप सावधानी बरतिए। और आज सवेरे जब पता चला कि बहुत सारे ऑपोजिशन के एमपीज हैं जिनको इस तरीके की ईमेल आई है, वार्निंग आई है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, पेगासस का किस्सा हो चुका, उसको खारिज करने की पूरी कोशिश की गई, पार्लियामेंट में उस पर चर्चा नहीं हुई, अदानी के भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, उनके बचाव के लिए इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। सब जानते हैं कि ऑपोजिशन में कौन वोकल वॉइसेस हैं और ऑपोजिशन के ही एमपीज को ये मैसेज आ रहे हैं, तो यानी ये लार्ज स्केल सर्वेलेंस हो रहा है जो स्टेट प्रायोजित है। तो मैं बस यही कहूंगी कि इस पे जांच होनी चाहिए और केंद्र सरकार को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये बात पूरी दुनिया में मशहूर है कि एप्पल की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और अपनी एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का सॉफ्टवेयर उन्होंने अपनी सरकार से भी साझा करने से मना कर दिया। ये लेवल है एप्पल की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का। अगर एप्पल जैसी दुनिया की सबसे विश्वसनीय कंपनी ये कहती है स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक मतलब सरकार द्वारा प्रायोजित आपके फोन की जासूसी की जा रही है, इससे बड़ी शर्म की बात किसी सरकार के लिए क्या हो सकती है। और क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा कि मेरी जासूसी हो रही है? सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं की जासूसी की जा रही है। क्यों जासूसी की जा रही है? ऐसा क्या डर है केंद्र सरकार को कि अब विपक्ष की एक एक स्ट्रेटजी केंद्र सरकार उनके फोन के जरिए जानना चाहती है? ये तो बहुत शर्म की बात है। इस तरीके का स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग मैं समझता हूँ पूरे विश्व में किसी लोकतांत्रिक देश में हमने नहीं सुना। अगर एक आदमी के फोन पे जासूसी हो जाए तो अमेरिका जैसे राज देशों के अंदर तो सरकार गिर जाए, राष्ट्रपति को जो है इस्तीफा देना पड़ जाए। और ये आरोप कोई पहली बार नहीं लग रहा है, पहले भी पेगासस का आरोप इस सरकार पे लगा है कि इन्होंने इजरायली कंपनी से एक सॉफ्टवेयर खरीदा जिससे इन्होंने बड़े बड़े अफसरों की, पत्रकारों की और नेताओं की जासूसी की। ये बड़ी गंभीर बात है, ये देश की प्रजातंत्र की नींव पे चोट करने वाली बात है, इसकी सफाई केंद्र सरकार को देनी चाहिए। ये नहीं, इसे आरोप क्यों कह रहे हैं? मैसेज अलर्ट आ चुका है, सरकार न कहे कि ये अलर्ट गलत है। अखिलेश जी का भी नाम है, महुआ जी का है, प्रियंका जी का है, सीताराम येचुरी का है, शशि थरूर का है, राहुल जी की टीम में लोगों का है। मतलब ये हो क्या रहा है? डिजिटल दुनिया बना रहे हैं और पर इन्वेसिव पॉलिटिक्स के तहत क्या देखना चाहते हैं, कौन किससे बात कर रहा, क्या बात कर रहा,
पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है क्या? सीधी सी बात है, सरकार की ओर से अभी तक कुछ सुना ही नहीं मैंने, उनकी ओर से सफाई आनी चाहिए ना। इसका एक मंत्रालय भी है, वो क्या कर रहा है? बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है। और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है, तो बड़े दुख की बात है। आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, आज़ादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको ख़त्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले लिए जाएं, उनकी जानकारी हो जाए, ये बड़ा दुखद है। और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताए सरकार क्यों ऐसा चल रहा है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के हैं।